दोस्तों, जैसा कि अपनी सभी वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन लेने का अधिकार है। क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलनी ही चाहिए। और अक्सर आप हमसे सवाल भी पूछते हैं कि सर, हमें एडमिशन किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में लेना चाहिए। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी स्टेट का हो, सभी ज्यादातर हमसे सवाल पूछते हैं कि सर, हमें दिल्ली NCR में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जो आसपास हो, जहां मतलब आना जाना आसान हो, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो, अप्रूवल्स अच्छे हो, कैंपस अच्छा हो, हॉस्टल फैसिलिटी हमें अच्छी मिल सके। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने आज तक वीडियो बनाई और बहुत सारी बातें आपको बताई यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें आपको बताया यूनिवर्सिटी का अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोचते हैं, एडमिशन लेने से पहले उस यूनिवर्सिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लगातार हमारे पास पिछली बहुत सारी वीडियो से, जैसे हमने पहले वीडियो बनाई थी शारदा यूनिवर्सिटी पर, हमने वीडियो बनाई लिंगायत यूनिवर्सिटी पर, वीडियो बनाई ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियो बनाई जो आसपास हैं दिल्ली के, हमसे लगातार कमेंट में सवाल पूछे गए, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आए कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में हम एक वीडियो बनाए। नोएडा इंटरनेशनल जो कि यूपी में, मतलब नोएडा में यूनिवर्सिटी चलती है, दिल्ली के सटी हुई यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से अप्रूवल्स है, कोर्स कौन कौन से यूनिवर्सिटी चलाती है, कैंपस कितने एकड़ में है, कैसा है कैंपस, इन सब के बारे में आज मैं बताऊंगा नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। और जैसा दोस्तों आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा वही रिव्यू देता हूं यूनिवर्सिटी के बारे में जो यूनिवर्सिटी की साइट्स पर होता है, या फिर नेट पर डिटेल्स पड़ी होती हैं, या फिर स्टूडेंट्स ने हमें उसके बारे में रिव्यू दिए होते हैं। तो जेन्युइन रिव्यू जानने के लिए नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं हमेशा से कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से, या मेरी टीम हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि आप तक पूरी इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जिस भी कॉलेज, जिस भी कोर्स, जिस भी यूनिवर्सिटी पर हम वीडियो बनाते हैं। आपके लिए भी मैं काम दे रहा हूं इस वीडियो में कि आपको दो चीज जरूर करनी है। सबसे पहले 10 में से कितने मार्क्स आप देंगे इस वीडियो को देखने के बाद नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने आप मार्किंग जरूर देना। और साथ में ही ये भी जरूर बताना कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगला वीडियो आप क्या चाहते हो, किस कोर्स पर चाहते हो, या फिर किस अप्रूवल पर चाहते हो, या क्या आप जानना चाहते हो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, हमें उसका इंतजार रहेगा। शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी के रिव्यू के लिए। तो दोस्तों, हम बात करें नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले आप जानिए यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब कौन है। डॉक्टर विक्रम सिंह, ये है यूनिवर्सिटी के चांसलर। फिर है वाइस चांसलर डॉक्टर उमा भारद्वाज, ये है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के। और साथ में ही जो चेयरमैन है फिलहाल यूनिवर्सिटी के, वो है डॉक्टर देवेश कुमार सिंह। अब दोस्तों, हम सीधा बात करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी अगर चलती है तो यूनिवर्सिटी चलने के लिए अप्रूवल्स का होना बहुत जरूरी है, वरना वो यूनिवर्सिटी फेक की लिस्ट में आ जाएगी। तो यूनिवर्सिटीज की बात अगर हम करें, जितनी भी हिंदुस्तान में टोटल यूनिवर्सिटीज चलती है, सभी को रेगुलेट करने वाली एक ही बॉडी है, वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स UGC पर लिस्टेड है, तो आप मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जेन्युइन है। दोस्तों, आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी। और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। दोस्तों, हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं।
किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, ये भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की साइट पर, वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टीजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले ही। कैसे आप चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड है या नहीं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टोटल अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करोगे, टोटल 32 यूनिवर्सिटीज चलती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। सबसे पहले आप जाके टाइप करेंगे www.ugc.ac.in। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा पूरा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो वेबसाइट है यूजीसी की, वहां जाने के बाद यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक कीजिए। यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, और नीचे आता है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है। मतलब सभी स्टेट जो हिंदुस्तान में है, सभी में से उत्तर प्रदेश पर जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक करेंगे, टोटल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट खुल जाती है, टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में। टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में, उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए 22वें नंबर पे आप जाके देखिए। दोस्तों, ये जो रैंकिंग है 22वां नंबर, ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये अल्फाबेटिकल जो नंबर है उसके हिसाब से ही, जैसे एन आया तो मतलब 22वें नंबर, उस तरह से आप यहां पे देख पा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि 12/10/2010 से यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, जो यूजीसी की वेबसाइट बोलती है। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.niu.edu.in। यह है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, दूसरी किसी वेबसाइट पर इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आप ना देखें। मोर डिटेल्स पे आप जैसे जाए क्लिक करते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन खुल जाती हैं। यहाँ पर जाने के बाद में जो वीसी इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमा भारद्वाज, उनका फोन नंबर लिखा हुआ है, साथ में ही उनकी मेल आईडी भी लिखी है। किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। साथ में रजिस्ट्रार साहब की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार पराशर, यह है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, उनका भी फोन नंबर और मेल आईडी यहां अपडेट है। दोस्तों, जब भी किसी भी तरह से किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम होती है या कोई भी मेन कंसर्न है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी में, तो मेन जो लोग हैं यूनिवर्सिटी कौन होते हैं, चांसलर साहब होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, या चेयरमैन जो है यूनिवर्सिटी के वो होते हैं, या फिर रजिस्ट्रार साहब होते हैं। चारों की डिटेल्स मैंने आपको दी है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्टडीज, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो दोस्तों, ये कुछ कोर्सेज हैं, बाकी तो कोर्स पर जो डिटेल हम वीडियो एक लेकर आएंगे आपके लिए, उसमें बेहतर आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी करवाती है। पर फिर से मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को दोस्तों, ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नहीं, आप लोग यूनिवर्सिटी विजिट करें, उसके बारे में समझें, आसपास और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं उस यूनिवर्सिटी के, उनकी भी आप डिटेल्स निकालें। हो सकता है इससे अच्छी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो जहां पर एडमिशन ले सकते हैं, हॉस्टल्स कैसे होंगे, फीस में कितना आपको डिस्काउंट मिलता है, किसी भी तरह का आप यूनिवर्सिटी की फीस में डिस्काउंट चाहते हैं, बेस्ट सर्विस चाहते हैं, हमारी कंसल्टेंसी चाहते हैं, या आप चाहते हैं हमारी एडवाइस कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल जरूर पूछना, हम रिप्लाई भी जरूर करेंगे, या फिर आप हम पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी तरह की अगर एडमिशन रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेरी अगर आपके पास होती है, या फिर फ्री एजुकेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर पूरी तरह से फीस माफ हो जाती है, पूरी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है, सिर्फ हॉस्टल मेस की फीस देनी होती है। और दोस्तों, ऐसी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर 50% फीस दो तो भी आपका एडमिशन हो
जाएगा। इन सब के लिए आपको बात करनी होगी, बात करने के लिए कमेंट बॉक्स में या तो अपना सवाल पूछें। दोस्तों जब आप सवाल पूछेंगे हम लोगों से कमेंट बॉक्स में या मैसेज करेंगे आप हमें, तो पांच चीजें आप मेंशन कर देना। सबसे पहली बात मेंशन ये करना कि आपने 12th कब की है और कहां से की है। साथ में मेंशन करना कि आप जो एडमिशन लेना चाहते हो किस कोर्स में लेना चाहते हो और किस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो, और साथ में ही आपका बजट क्या है। आप ये सब बातें बताएंगे तो हम आपको कोई ना कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट आपको कर जरूर देंगे। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल है आपके दिल में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को लेकर, या फिर आप अगला वीडियो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप किस पर चाहते हैं, किस कोर्स पर, किस अप्रूवल पर, या फिर क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना, हम इंतजार उसका जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।